दिव्या एंटरटेनमेंट प्रेजेंट। लगता है हमारे माता पिता अब नहीं मिल पाए, अब नहीं मिल पाएगा। एक गुजारे, अगर माता पिता नहीं मिलेंगे तो नहीं मिल पाएगा। आंखों से अंधे हो गए।
पुचका दे रहे पैर पुचका कर दिया है। आपकी बात सुनेगी ठीक है, बुलाओ मेरे यार। क्या मारवे के लिए तुम और मनावे के लिए मंस। मेरे भाई जब बड़ा भाई अगर नरम होता है तो छोटा कर्म अवश्य होता है। प्रभु रामचंद्र जी शीलदान से और आप जानते हैं कि लक्ष्मण सिंह गर्म के थे, इसलिए शादा प्रदान किया था। इसलिए मेरे यार आप गर्म हैं, आप अपने भाई नरम की लाज अवश्य रखेंगे। गुजर बुलाइए अपने भाभी के लिए भैया। ठीक है भाई साहब, जहां तक पैस होगी तहां तक रिक्वेस्ट करके भाभी को बुलाऊंगा। और मैंने भाभी से कह दिया कि मेरे डेरे में छिप जाना। खबरिया मेरी भाभी देख मेला
सही कह रहा हूँ मैं भाभी जे क्या है? और भाई साहब ने कह दिया अगर मंसूर मैं मर जाऊंगा और कैसे करके अपनी भाभी को बुला तो जे बता जे क्या है? हमें नादी के लोग कहे नादी के लोग अब तो मजा आवे कोई हाँ भाभी साहब मजाक करने का काम नहीं है अब भाई साहब है नादी के लोग न्यू माल लेगा अगर तुम चाहे दस दिखाओ चाहे चार दिखाओ कहो तो जो कहे कि मनसुख कैसी उला नहीं तो मैं मत जाऊं झूठ बोल रहे हो तुम्हारी कसम भाभी साहब अब तो मजा आवेगो पिन्नी तो खूब मारिए पर मैं उन तेल न लगवाई लो तो मेरा नाम मोती नहीं ना है तो भाभी साहब मुंह पर तो तेल लगवाइयो मती हां ध्यान रखियो कहां है तुम्हारे भैया यही है बुलवा मैंने कहा आवाज मारो अरे भैया मशाल हां क्या हुआ मशूक तुम्हारी भाभी आएगी नहीं तो देख लो अरे यार क्यों मजा करता है भैया जब दिखेगा जब मेरी आंख से तुझे नजर आ रहा है कि नहीं मशूक यार क्यों मारता है भैया मेरी आंख वैसे भी बंद है तुझे मुझे और क्यों मारता है मेरे यार अरे यार तुम बहुत काई मजा कर लो मशूक भैया क्या तुम्हारी भाभी आएगी नहीं भैया छलने छलने की से आवाज तो आई है मशोर मेरी यार मुझे बुलाओ अब मुझे सहन नहीं होता है हे मशोर अगर हम अंधे बने रहेंगे मेरी माँ छज्जे पे काग उड़ा रही है मेरे पिता छेलों में चक्की पीस रहे हैं मशोर भैया अरे जिस बेटा सब्र दो जाते अरे पुरका उनके मुसीबत में आ जाते तो क्या होता है मशोर इसलिए जल्दी बुलाओ अब मुझे रहा नहीं जाता है मशो भैया मशो हाँ तू यार क्यों मरता है हे मशो हाँ मुझे क्यों नोचता है लगता है तू भैया मैं कछुला कर रहा मौत अंदाजा भाभी है कोई हे मशो हम जानते हैं ये हमारे कर्मों का फल है हमने रानी मोत्री को मार के भजाया है अब भाभी साहब की चढ़ बनी नहीं बशो एक बार मेरे यार मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ एक बार रानी मोत्री से मिला दीजिए मैं तुम्हारे हाथ में दूंगा मशो लगता है तुम्हारी भाभी मोतनी आ चुकी है भाई साहब इसलिए तू हमसे मजाक कर रहा है भाई साहब मैं नहीं कर रहा हूँ मजाक मशोर एक बार अपनी भाभी से मशोर लगता है तेरी आंख सही हो गई है इसलिए तू मुझसे मजाक कर रहा है नहीं 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 भैया मैं नहीं मजाक कर रहा हूँ भाई साहब पास आओ गुजर ये भैया मेरी भैया ए भाभी भाभी साहब मेरी आपसे एक हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है मेरी एक आंख खोल दे एक ना दो खोल दूंगी मैं खोल दे भैया की बात खोलियो देख लियो रहमन आ जाए हाँ ठीक है ततैया सो लगा दूंगी ना 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 एक दो ये तीन भैया मशहूर मेरी तो खोल नहीं भैया आप सही हो गए मेरी तो भट्टासी खोल नहीं तो बताओ ए एक है और ये गए हैं पांच
मैं शुक्र आपकी आँख सही हो गई है। मेरे यार मेरी भी आँख सही करा दो भैया, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हारी आँख सही करवा दी जाए तुम्हारी पल्ली बच जाता फिर तो मालो नहीं रानी बहुत सी का हो ठीक है क्या हमारा यार आपकी भाभी साहब वही होगा बताओ। मंत्री अपनी महारानी से कहो हमारी आंख सही करा दो, अगर वो साथ चलना चाहती है तो राजा ने उसे साथ अवश्य ले जाएगा। हाँ ए भाभी भाभी साहब मंत्री तुम कह रहे हो कि आंख सही करते हो बेटा तेरी गाड़ी तो ये लगाओ एक दो ये क्या हुआ मंत्री? अरे तुझे क्या हुआ तू की किल्ला रहा है? अरे क्या किसने तुझे हाँ अरे क्या हुआ है मंत्री? भाभी साहब क्या हुआ मंत्री? लगता है अब मेरे परेशान है तू सब क्या हुआ है? भाई साहब क्या खोल दो भाभी साहब रानी मंत्री हम जानते हैं एक करामत रानी मोदी है गुजर एक बार मुझे पकड़वा दो रानी मोदी मेरी आंख बस खोलेगी। भाई भाभी साहब क्या? अरे क्या हुआ ए भाभी? ऐसा करो भाई साहब की एक आंख खोल दो। भाई साहब देख रहे थे जब मंत्री को देख रहे हो? अरे यार मंत्री सही करो बराबर तेरे तो बोल खुलवाई महाराज थे कहे महाराज। अरे क्या हुआ? अरे बेवकूफ मेरी आंख खुद सही नहीं तुझे सही कहां से करवाऊंगा? क्या दे दो? हाँ क्या हो रहा बेवकूफ? मैं खुद परेशान हूं तुझे कैसे संभालूंगा? रानी हमारी आंख को सही करो हम अपने माता पिता के नहीं सुन सकेंगे। एक शर्त मंजूर करो। क्या तुमको मेरी शर्त मंजूर करनी पड़ेगी तब तो आंख खोलूंगा। तुम्हारी हर शर्त मंजूर करूंगा बोलो क्या कहना चाहती हो? इनकार मत करती हो? नहीं बोलो क्या कहना चाहती हो? एक बार जीजी कहेंगे मेरे पास छू लो मैं तुम्हारी दो आंख खोल दूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ऐसी राजा तुझसे जीजी कैसे कह सकता है कैसे छू सकता है? बराबर में जा कुन्ना पद घुसो मात के डोलो। भाभी साहब देखिए आपने जो कहा है आप कुछ भी कहो सब मंजूर है। इनसे कहो मैं पांच छुए जीजी कहे मोते। अरे ना है पाए मंत्री को चूतर मरवा दूंगा। मंत्री हो या ऐसा कभी नहीं हो सकता। राजा लल ऐसी शर्त मंजूर नहीं कर सकता है। कहो से कि हमारे पैर चंदी हमारी आंखों सही करे तब फिर तुम कोड़ा की धमकी तो ना दोगे? नहीं दूंगा। आए बड़े भोरे। नहीं नहीं अब तो भाभी साहब बोलो एक बार बता जीजी कह देगा तो कभी बिगड़ तो ना जाएगा? चा? ये कभी नहीं हो सकता। राजा ने आपसे जीजी नहीं कहेगा तो डोलो ऐसी भले हमारे प्राण निकल जाए आपकी शर्त मंजूर नहीं करेगा। तब गैरनाथ का भैंसा डोलो हो जाए काम में उड़ा भाई हो जाए। बात आपकी खराब हो रही है आपकी बात खराब हो रही है। खोल दो ऐसा करो भाई साहब बजार तो करा करेंगे एक यहाँ खोल दो। एक खोल दे रही हूँ ठीक है एक दो ये मशो इससे कहो इसे बंद कर दे मुझे एक आंख पसंद। अरे कनेटा मेरे मायके को मत आइयो कनेटा मेरे मायके को मत आइयो।
नहीं चाहिए। अगर खोल नहीं है तो दोनों आँख खोलो, वरना मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। सी अरे मजे मजे नी बारे बज गए और गर्मी लगी रही दोपहर में। इस बेब को प्राणी ने हमारी मजाक उड़ाई है, इसे उधर के बंदू का छोड़ूंगा नहीं। मान जाओ फिर गद्दे के अंदर मशोक। हम जानते हैं कि बिना रानी मोदी के कैद नहीं छूट सकती, नहीं छूट सकती। हम जानते हैं कि जादू का देश है, इसलिए रानी मोदी को साथ ले जाना पड़ेगा। रानी और ये कैद नहीं छूटेगी, तो ठीक है जो आप कहोगी हमें करने के तैयार हैं। तैयार हो? हाँ। तो जीजी कहना सकता है उधर के बंदूका दो मिनट में महसूस समझा दो से। अरे यार जाए हाथ की चाबी भैया बुडंगा देखिए माँ देखी जमुना जी पे कैसी सब लगा दूंगी मेरी प्यादा ध्यान खबर लगाइयो मेरे मैया बबुला की मेरे दिल में तसल्ली ले चलोगे। हाँ रानी सुनिए अगर मुझे ले जाओ तो मेरा काम मानना पड़ेगा आपको। ठीक है रानी आप कौन कहोगी समान आपको तमाशा अच्छा लग रहा है कि नहीं हाथ उठा करके बताएं। ये तो मेरे बड़े भाई है मैं तो बहुत छोटा हूं
लेकिन ढोला वाले ढोला तो गाते ही, लेकिन जो चीज अलग अलग होती है वो उसमें और ही मजा होता है। सुनने वाले तो जानते ही।